फारसी का शोभा यहाँ पे कायम है और पीजी की के सतह पे फारसी पढ़ाई जा रही है। ये फैसला लिया है कि इसमें उन लोगों को दाखिला दिया जाएगा जो या तो आनर्स हों फारसी में, या उनका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट हो, या अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने ग्रेजुएशन किया हो और उसने एडवांस डिप्लोमा फारसी में किया हो तो वो भी पीजी में एडमिशन लेने का के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से अगर वो ग्रेजुएशन है और वो ये पर्शियो स्क्रिप्ट जानता है और डिग्री नहीं है लेकिन उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है और फारसी अदब को फारसी ज़बान को जानता है तो वो भी हमारे यहाँ एम ए पर्शियन में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होगा। दाखिला फार्म ऑनलाइन अवेलेबल है, दुनिया में बैठ करके कहीं से भी आप फार्म भर सकते हैं। 650 रुपये उसकी फ़ीस है। प्रॉस्पेक्टस भी हमारा ऑनलाइन मौजूद है और मेरिट के बेसिस पे इसमें एडमिशन लिया जाएगा। ग्रेजुएशन का जो मार्क्स होंगे उसको देखा जाएगा और उस पर जो मेरिट बनेगा उसके हिसाब से उनको एडमिशन दिया जाएगा। फारसी, जिसको हम इंग्लिश में पर्शियन कहते हैं, एक बहुत बड़ी ज़बान है। जब ज़बान बहुत बड़ी है, तारीख़ी ज़बान है, क्लासिकल ज़बान है, बहुत कदीम ज़बान है, तो इसका जो अदब है ये भी बहुत ही बड़ा और कदीम और तारीख़ी अदब है। शेख सादी को और हाफिज़ को, खयाम को कौन नहीं जानता है। गालिब और अल्लामा इकबाल ने भी फ़ारसी में शायरी की। और अगर हम तारीख़ का मुताला करते हैं, हिंदुस्तान की तारीख़ का, तो हमें मालूम होता है कि एक ज़माना था कि हिंदुस्तान में फ़ारसी का तूती बोलता था और ये आवाम की ज़बान थी, लोग इसको बोलते थे, इसी ज़बान में लिखते थे, बोलते थे, कारोबार की ज़बान थी। और अभी भी पूरी दुनिया के अंदर दो कंट्रीज़ ऐसे हैं, दो ममालिक ऐसे हैं जहाँ की यह सरकारी ज़बान है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो एक अजीम ज़बान है, जिस अजीम ज़बान का वजूद हिंदुस्तान में ज़रा आहिस्ता आहिस्ता सा कम हो रहा था, तो हमारे इस इलाके में जिसको हम खित्ते पीर पंजाल कहते हैं, यहाँ के लोगों की डिमांड पर और यहाँ के जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में ग्रेजुएशन की सतह पर जो फ़ारसी पढ़ाई जाती है, उन तलबा की डिमांड पर हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शेखुल जामिया प्रोफेसर अकबर मसूद साहब ने ये डिसीज़न लिया कि हम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में फ़ारसी की तालीम का आगाज़ करेंगे। चुनाचे गुज़िश्ता साल एमए फ़ारसी का प्रोग्राम का आगाज़ किया गया और पहला बैच जो है ये ज़ेरे तालीम है, उसने पहला सेमेस्टर मुकम्मल कर लिया है, दूसरे सेमेस्टर में तालीम हासिल कर रहा है। और इस तरह से माशाल्लाह एक बड़ी ज़बान की तालीम और तदरीस का इस खित्ते पीर पंजाल और कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाद ये पहली यूनिवर्सिटी है इस पूरे जम्मू कश्मीर में जो फ़ारसी ज़बान पढ़ा रही है और उसकी तदरीस एमएस की सतह पे हो रही है। और इंशाल्लाह इसमें रिसर्च भी आगे जो वक्त आएगा उसमें रिसर्च भी कराई जाएगी पीएचडी की सतह पर इंशाल्लाह अज़ीज़। तो इस हिसाब से ये हमारे यहाँ जो है असातज़ा फ़ारसी के बहुत काबिल असातज़ा यहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट हुआ, एक साल से वो पढ़ा रहे हैं। फ़ारसी ज़बान उनकी ऐसी अपनी ज़बान जैसी है, वो उस पर कुदरत रखते हैं, बोलते हैं। फ़ारसी का शोभा जो है ये मुख्तलिफ़, हालांकि एक साल हुआ है लेकिन मुख्तलिफ़ कल्चरल एक्टिविटीज़ और एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी पेश रहता है। और इस तरह से इस खित्ते में ख़ास तौर से और जम्मू कश्मीर में आम तौर से और पूरे मुल्क में आम तौर से इंशाल्लाह इस पीजी में की सतह पर पर्शियन की तालीम के ज़रिए हिंदुस्तान में फ़ारसी ज़बान का फ़रोग़ होगा। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा खित्ते पीर पंजाल से या जम्मू कश्मीर से या आउट ऑफ स्टेट भी जो है जो तलबा आना चाहें उनके लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने दरवाज़ा खुला रखा है। एक बेहतरीन माहौल, पहाड़ी इलाका, आबो हवा खूबसूरत और जो है एक खूबसूरत माहौल के अंदर यहाँ तालीम दी जा रही है। हम उन तमाम तलबा का यूनिवर्सिटी की तरफ से, अपने वाइस चांसलर साहब की तरफ से, डीन अकेडमिक की तरफ से और अपने शोबे की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से हम उनका इस्तकबाल करेंगे। इंशाल्लाह एक अच्छे माहौल में वो यहाँ फारसी ज़बान और अदब की तालीम हासिल कर सकेंगे। मैं सैयद इनाम अली नकवी शहर पूंछ जम्मू कश्मीर से हूँ। गुज़श्ता साल इस यूनिवर्सिटी में मेरी पज़ीरिश हुई और मैं इस बार जो वो एमए फ़ारसी के दूसरे सेमेस्टर में ज़ेर तालीम हूँ। खुदा का शुक्र है कि यहाँ पर जो असातीद हैं वो खारिज कश्वर मुल्क से बाहर रह कर के उन्होंने तालीम हासिल की है और अच्छे अंदाज में वो तदरीस कर रहे हैं और हम अच्छे तरीके से उनसे इस्तेफादा कर रहे हैं। जनाब आगे डॉक्टर मोहम्मद कौसर जाफरी और जनाब आगे डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन शाह, दो उन बरजस्ता असातीद में इनका नाम लिया जा सकता है कि वाकई जो जहमत करते हैं और जिनसे फ़ारसी ज़बान के सीखने में भी हमें और दीगर तुलाब को भी मदद मिलती है। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं
और अपने तमाम दोस्तों से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप आएँ इस यूनिवर्सिटी में और इस सब्जेक्ट में MA पर्शियन में एडमिशन लें, इसलिए कि मेरे ख़्याल में यहाँ इस दानिशगाह में इस यूनिवर्सिटी में जो असातीद हैं अच्छे से ये पढ़ाते भी हैं और दूसरी फैसिलिटीज़ भी जो इस दानिशगाह में दी जा रही हैं, इस जैसा कि बाकी यूनिवर्सिटियों में देखा कि ऑर्फन्स के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनको फ्री तालीम दी जा रही हो, लेकिन यहाँ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में ऑर्फन्स के लिए फ्री तालीम की सहूलत मौजूद है।